साथियों, जब हम घर के लिए कुछ खर्च करते हैं तो अपनी आय और बैंक बैलेंस भी देखते हैं, अपना बजट बनाते हैं। ऐसे ही जहां पानी कम है या ज्यादा है, वहां गांव के लोगों को वाटर बजट बनाना बहुत अनिवार्य है और उस आधार पर फसल उगाने के लिए हमें प्रोत्साहित करना होगा। मैंने तो देखा है, जब गांव में अगर वाटर सिस्टम शुरू हो जाती है और नल से पानी आना शुरू हो जाता है, शहरों में तो खास, तो वो क्या करते हैं, उनको पता होता है कि सुबह 6 बजे पानी आता है तो बाल्टी नल के नीचे उल्टी रख देते हैं और नल चालू करके सो जाते हैं, ताकि सुबह घंटी का काम वो नल करता है। 6 बजे पानी आता है तो बाल्टी से आवाज आती है तो घर वाले जाग जाते हैं। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, और फिर उठने के बाद मन करता नहीं करता आधा घंटा तो पानी चला ही जाता है। ऐसी कई कई चीजें हैं जो हम धीरे धीरे बदल सकते हैं। वैसे ही गांव में भी, और मैं कहूंगा यहां जो गांव के लोग आए हैं और जो गांव के लोग आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि अटल जल योजना में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम सब नागरिकों की है, हम सब किसानों की है। हम सब मिलकर के जितना अच्छा काम करेंगे उससे गांव का तो भला होगा ही, ग्राम पंचायतों का भी भला होगा। अटल जल योजना में इसलिए ये भी प्रावधान किया गया है कि जो ग्राम पंचायतें पानी के लिए बेहतरीन काम करेंगी उन्हें और ज्यादा राशि दी जाएगी, इंसेंटिव दिया जाएगा, ताकि वो और अच्छा काम कर सके। मेरे सरपंच भाइयों और बहनों, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी भागीदारी देश के हर घर तक जल पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अटल जल योजना से जुड़े सभी 8,300 सरपंचों से कहना चाहता हूं कि आपकी सफलता न सिर्फ अटल जल योजना को कामयाब बनाएगी बल्कि जल जीवन मिशन को भी मजबूती देगी। और कैसे करता है ये आप अगर थोड़ा जानने का प्रयास करोगे तो भली भांति आप उसको उठा लोगे। ये देश के प्रत्येक नागरिक को भी जानना जरूरी है।